अस्सलाम वालेकुम। जरूर शरीफ पढ़ना। हाँ जी ये एक सवाल कहा था करने को जून 9 क्वेश्चन नंबर 14 यूवी डब्ल्यू डेंटल्स हाँ जी किया नहीं किस किसने किया किस किसने किया है ठीक अच्छा इसमें जो जो मसले हो सक जो जो मसले हो सकते हैं वो बता देता हूं। एक तो ये कि कंटिन्यू और ओवरहॉल इनके टाइम पीरियड डिफरेंट है। अगर कंटिन्यू करते हैं तो कितने साल 3 और अगर रिप्लेस कर लेते हैं नहीं रिप्लेस पे 3 है ओवरहॉल पे 2 है और ये जो ओवरहॉल है ये रिपीटेटिव है यानी हर दफा ये ओवरहॉल हो जाया करेगा नहीं लेकिन रिप्लेस रिपीटेटिव है क्योंकि रिप्लेस करेंगे तो वो तो आगे कंटिन्यू रहेगा ना ये तो कंटिन्यू और रिप्लेस का सवाल हुआ जो उससे पहले एक दफा मैंने बोर्ड पे सवाल किया था जून 19 अटेम्प्ट का जिसमें ओवरहॉल और रिप्लेस था लेकिन वो दोनों के दोनों ऑप्शंस 5 साल के थे तो उनमें एनपीवीए का कंपैरिजन किया था लेकिन अब एक ऑप्शन 2 साल का है एक ऑप्शन 3 साल का है जाहिर है 3 साल इस्तेमाल का खर्चा ज्यादा ही होगा तो इसलिए इनकी एनपीवी का कंपैरिजन सही नहीं होगा। इसके आईकैप के सॉल्यूशन में उन्होंने ईएसी से सॉल्व किया हुआ था मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि ईएसी तो उसका कैलकुलेट होता है जिससे रिपीट होना है तो एग्जिस्टिंग मशीन का ओवरहॉल होना थोड़ी रिपीट होना है तो इसलिए इसमें ईएसी सही तरीका नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक। मेरी सजेशन के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कामिल लिमिटेड वाले सवाल की तरह होनी चाहिए। कामिल लिमिटेड सवाल मैंने बोर्ड पे 2 दिन फैला के किया था एक दिन पार्ट ए किया था अगले दिन उसको पार्ट बी पूरा किया था आगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसको कामिल लिमिटेड वाले की तरह सॉल्व होना चाहिए कि जिसमें रिप्लेसमेंट हर 3 साल के बाद भी हो सकती है क्योंकि एक नई मशीन का डेटा है। तो जिस तरह कामिल लिमिटेड वाले सवाल में था कि पुरानी मशीन को अभी रिप्लेस कर लें साल बाद रिप्लेस कर लें या 2 साल बाद रिप्लेस कर लें इसको उस पैटर्न पे सॉल्व होना चाहिए था तो यही किया हुआ है कि मैंने एग्जिस्टिंग मशीन की पहले ईएसी कैलकुलेट की कामिल लिमिटेड के पैटर्न पे किया बिल्कुल उसको सॉल्व। अच्छा एग्जिस्टिंग मशीन की ईएसी सॉल्व करने में जो जो मसले हो सकते हैं पहले वो बताता हूँ। इन्फ्लेशन थी सवाल में लेकिन ईएसी इन्फ्लेशन वाले सवाल पे नहीं चलता। हाँ अगर एक ही इन्फ्लेशन रेट हो और कैश फ्लो उसको रियल बना के कर लें तो फिर ईएसी चल जाएगा इसलिए कैश फ्लोज को रियल बना के किया। कैश फ्लोज में क्या क्या लिया जब हमने नई मशीन खरीदनी है
या एग्जिस्टिंग को ही ओवरहॉल करा लेना है। रेवेन्यू दोनों बराबर ही कमा के देंगे, क्योंकि चाहे जनरेटर एग्जिस्टिंग वाला हो चाहे नया वाला हो, हर साल 2000 रुपये पर आर पे 2500 घंटे किराए पे दे दिया जाता है। ये पॉइंट 3 में लिखा हुआ है। तो चाहे एग्जिस्टिंग जनरेटर को काम चला लें चाहे नया जनरेटर ले लें, दोनों ने बराबर ही हर साल रेवेन्यू कमा के देना है। इसलिए रेवेन्यू को इग्नोर कर दिया, ये तो नैनी केस हर साल बराबर रहना है, तो रेवेन्यू को इग्नोर कर दिया। पीछे रह गई सिर्फ वही मेंटेनेंस कॉस्ट। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्यों कुछ नहीं किया? स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन तो तब इस्तेमाल करें जब प्रॉफिट के ऊपर डेप्रिसिएशन टैक्स का रेट लगना हो। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो रेवेन्यू का 6% होगा वही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो टैक्सेबल इनकम ही कोई नहीं निकलनी, प्रॉफिट ही नहीं निकाला जाना, तो फिर डेप्रिसिएशन कहां एडजस्ट होगी। इसलिए डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करना। और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर टैक्स सेविंग भी नहीं लेनी, मेंटेनेंस के ऊपर, रनिंग के ऊपर नहीं। जब प्रॉफिट ही नहीं निकलना, जब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट ही नहीं लगना, तो फिर कौन से खर्चों ने टैक्स बचा के देना है। इसलिए मेंटेनेंस रनिंग के खर्चों पे कोई टैक्स नहीं लिया, डेप्रिसिएशन पे कोई टैक्स नहीं लिया, क्योंकि फाइनल टैक्सेशन है। और रेवेन्यू के ऊपर 6% टैक्स लग के जो आंसर आएगा वही फुल एंड फाइनल होगा। तो प्रॉफिट निकलेगा तो एक्सपेंसेस क्लेम होकर टैक्स बचा के देंगे ना, तो इसलिए इन रनिंग कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई टैक्स का इफेक्ट नहीं लिया। रिसीट्स मतलब रिसीट्स पे लगना है ना। द कंपनी रिसीव्स, जो पैसा भी कंपनी को मिलता है वो 6% टैक्स डिडक्ट होके मिलता है। जैसे सर्विसेज के ऊपर, उस दौर में सर्विसेज का 6% टैक्स होता था जब का ये सवाल है, तो जितना भी पैसा कंपनी को मिलता है सर्विसेज के ऊपर 6%, अब तो पर खाली 10% होता है, और वो भी फुल एंड फाइनल नहीं होता। रिसीट्स पे 10%, सर्विसेज पे वो फुल एंड फाइनल नहीं है ना। 8% है, मिनिमम 10 है। हाँ, वो मिनिमम है, नहीं फुल एंड फाइनल नहीं है। तो उस दौर में, जिस दौर का सवाल है ना, उस दौर में फाइनल टैक्सेशन होता था और 6% होता था सर्विसेज का। सप्लाईज का मेरे ख्याल 3.5% होता था और ये सर्विसेज का 5%, 6% इस तरह का होता था। तो वो लिखा हुआ है कि कंपनी को जो भी पैसा मिलता होगा, क्योंकि कंपनी जनरेटर किराए पे देती है, तो कंपनी को जो भी पैसा मिलता है कस्टमर्स 6% टैक्स काट के देते हैं पैसा, और वही कंपनी की फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है। तो जब प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं होता तो एक्सपेंसेस ने कौन सा टैक्स बचा के देना है। इसलिए इस सवाल में टैक्स का कुछ भी नहीं किया। क्या करेंगे नहीं, एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट होगी ही नहीं ना। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है ये। मुझे नहीं पता अब ये नाम है कि नहीं, मतलब जब मैंने टैक्स पढ़ा था तो FTR अभी भी है, फाइनल टैक्स रिजीम। रिजीम चेंज नहीं हुई अभी, नहीं FTR ये है। तो फाइनल टैक्स रिजीम होती है और उसमें जितना टैक्स ये 6% कट जाता है ये फुल एंड फाइनल। तो इसके ऊपर इनकम कैलकुलेट ही नहीं होती, इस बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं होता। जब टैक्स रेट प्रॉफिट पे लगना ही नहीं है तो कौन सी डिडक्शन अलाउ होंगी। तो इसलिए इन रनिंग कॉस्ट के ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई काम नहीं है टैक्स का। और इसमें मसला ये हो सकता था जिसकी वजह मैंने तब बताई नहीं थी। पॉइंट नंबर 4, कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17% बिफोर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। बिफोर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन ये रियल डिस्काउंट रेट है कि नॉमिनल डिस्काउंट रेट। मैंने तो कहा था ये नॉमिनल है, लेकिन चलिए अब डिस्कस करता हूँ ना। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17% पर एनम बिफोर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने से पहले, तो ये रियल है कि नॉमिनल है। रियल है, रियल है, नहीं क्यों नॉमिनल है?
सर आपने कहा था भैया लोग बैग से डेकोरेट करते हैं, तो पोस्टर्स के लिए कहा था या इसके लिए कहा था? रियल नॉमिनली कहा था। वैसे ये जो 17% है इसके बारे में लिखा हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। इसको पढ़ के ये लगता है कि शायद ये इन्फ्लेशन के बगैर है, बिफोर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के बगैर है। वर्ड बिफोर की वजह से ये लग रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन का मतलब है, एडजस्टमेंट का मतलब इन्फ्लेशन शामिल करना तो नहीं है, निकालना भी तो हो सकता है। एडजस्टमेंट है बाइक या गाड़ी जो भी, या साइकिल भी अगर सवारी कोई भी हो, और आप पंप पे हवा टायर में एडजस्ट करवाने गए, तो अक्सर पंप्स में ऐसे वो लगा होता है, हाँ गेज लगा होता है, तो अब वो टायर में हवा एडजस्ट कर देगा यानी भर देगा। निकाली भी जा सकती है, निकाली भी जा सकती है, अगर हवा का ऑलरेडी प्रेशर उसमें ज्यादा है तो वो एडजस्ट करके अगर 25 पे ला रहा है तो वो निकाल के 25 पे ला रहा है। अभी उस पंप पे जाने से पहले अभी हवा एडजस्ट नहीं कराई हुई। इसी तरह चलो ये बाइकर्स भी जो हैं ट्यूनिंग कराने गए, पेट्रोल एडजस्ट करवाना है, तो पेट्रोल एडजस्ट करवाने का मतलब पेट्रोल की सप्लाई बढ़ाना तो नहीं है, कम करना भी तो हो सकता है। तो एडजस्टमेंट का मतलब शामिल करना नहीं होता है, एडजस्टमेंट का मतलब कुछ एडजस्टमेंट करना है, मल्टीप्लाई करना भी हो सकता है, डिवाइड करना भी हो सकता है। अब ये रियल है कि नॉमिनल है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ओरिजिनल हालत क्या होती है। जैसे फल सब्जी जब हम दरख्त से तोड़ते हैं तो उसकी ओरिजिनल हालत यह है कि उस पर छिलका है कि छिलका बाद में चढ़ाना है, लेकिन जब कैंडी जो बना रहे हैं बच्चे की, टॉफी जो बना रहे हैं, उस पर कवर चढ़ाना है, तो ओरिजिनल हालत जो है वो इन्फ्लेशन के बगैर है या इन्फ्लेशन शामिल करके है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट के डेटा से निकाला जाता है, और मार्केट में असल में इन्फ्लेशन होती है या इन्फ्लेशन नहीं होती है? होती है, वो तो हम ख्याली बात करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ना होती तो ये होता, ये जो रियल का कॉन्सेप्ट है ये ख्याली बात है कि अगर इन्फ्लेशन ना हो तो ये होगा, तो मार्केट में तो असल में इन्फ्लेशन होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने सीखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट के डेटा से कैलकुलेट किया जाता है, बैंक के इंटरेस्ट रेट से, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट रेट से, जो तो असल में मार्केट में होते हैं, तो जो इसकी ओरिजिनल हालत है ना, वो नॉमिनल ही है। तो बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है कि ओरिजिनल हालत में है, बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है कि ओरिजिनल हालत में है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की ओरिजिनल हालत ही नॉमिनल होती है, तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट से पहले का मतलब है ओरिजिनल हालत में, और चूंकि इसकी ओरिजिनल हालत नॉमिनल होती है तो ये अभी नॉमिनल है। क्योंकि आप इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट अगर ये काम कर रहे हो, तो ये हो क्या रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? नहीं, अभी इस वक्त क्या कर रहा हूं मैं, रियल रेट को एडजस्ट करके नॉमिनल रेट बना रहा हूं। ये क्या हो रहा, मनी रेट को
एडजस्ट करके रियल रेट बना रहा हूँ, तो ये भी एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट का मतलब इन्फ्लेशन शामिल करना तो नहीं है। तो बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो ओरिजिनल हालत थी अभी वही है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ओरिजिनल हालत नॉमिनल ही होती है, इसलिए 17% नॉमिनल रेट। तो उसको रियल बनाने के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट नॉमिनल लेते हैं इसीलिए। अच्छा जी, डिस्काउंट रेट हो गया, टैक्स हो गया। हाँ, मैंने पिछली क्लास में सवाल कराते हुए एक काम ये किया था, हाँ शायद पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में, उसमें भी शायद ओवरहॉल और रिप्लेस करके कोई बात हो रही थी। तो उसमें पुराने का बेचना रिप्लेस ऑप्शन में एज एन इनफ्लो दिखाया था या ओवरहॉल में ना बेचना दिखाया था पिछली क्लासेस में ना, रिप्लेस ओवरहॉल। मुझे लगता है कुछ दो सवाल किए थे, एक पहले किया था, नहीं नहीं एक वो किया था प्रपोजल वन प्रपोजल टू वाला, फिर उसके बाद जब मैंने ओवरहॉल और रिप्लेस वाला सवाल बोर्ड पे किया था जून 19, तब मैंने प्रपोजल वन प्रपोजल टू का दोबारा जिक्र किया था। तो ओवरहॉल और रिप्लेस वाला जून 19 अटेम्प्ट का सवाल, उसको करवाते हुए मैंने ये बात डिस्कस की थी। अगर आपके रजिस्टर पे सॉल्व है वहीं से देख दें, बेशक पुरानी मशीन का बेचना उसको रिप्लेस ऑप्शन में एज एन इनफ्लो लिया था या ओवरहॉल ऑप्शन में ना बेचना लिया था। रिप्लेस में एज एन इनफ्लो लिया था, और आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पर इनफ्लो ना लें और ओवरहॉल में उसका ना बेचना एज एन आउटफ्लो ले लें। दोनों काम नहीं करने, दोनों में से एक करना है, लेकिन ठीक दोनों ही है। चाहे तो इसको बेचना दिखा दें ओवरहॉल उसमें रिप्लेस में इनफ्लो, या फिर रिप्लेस में इनफ्लो ना दिखाएं और ओवरहॉल में ना बेचना एज एन आउटफ्लो दिखा दें। दोनों बातें सही हैं। इस सवाल में इस एग्जिस्टिंग के बेचने को मैंने रिप्लेस में एज एन इनफ्लो नहीं दिखाया। जिन्होंने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद इसको अगर देखा भी हो, तो मैंने इसको रिप्लेस में एज एन इनफ्लो नहीं दिखाया, मैंने इसको ओवरहॉल ऑप्शन में एज अ ना बेचना दिखाया। जिन्होंने भी किया हो, क्यों किया मैंने ऐसा, इसलिए कि रिप्लेस को मैंने ईएसी में कन्वर्ट करना था, तो फिर उसमें वही चीज रखनी थी जो हर दफा होगी, तो हर दफा थोड़ी एग्जिस्टिंग इतने की बिकेगी। तो इसलिए मैंने उसमें एग्जिस्टिंग का बेचना इनफ्लो नहीं दिखाया, वरना उसका असर ईएसी में आ जाता। मैंने ईएसी निकालने के लिए सिर्फ एक प्लांट को खरीद के इस्तेमाल करके बेचना लिया है, एक साइकिल बस। एग्जिस्टिंग को बेचना तो फिर तो वह पुराना मिक्स हो जाता उसके अंदर, तो मैंने इसलिए इस ऑप्शन में इनफ्लो नहीं दिखाया पुराने का बेचना, ताकि एग्जिस्टिंग नई मशीन बार बार हर 3 साल बाद चेंज करने का ईएसी निकाल सकूं, और ईएसी निकालने के बाद बिल्कुल उसको मैंने कामिल लिमिटेड वाले पैटर्न पे सॉल्व किया है। अच्छा, ये तो चीजें हो गई जो मैंने डिस्कस की। अब जिन्होंने ये सवाल नहीं किया उनकी मेहरबानी, वो अब इस डिस्कशन के बाद कल देखें सवाल, और जिन्होंने किया अब मेरी इस डिस्कशन के बाद अगर फिर भी कुछ सवाल बाकी हैं तो आप भी कल दोबारा देखें इसको, फिर कल पूछ लीजिएगा जो पूछना होगा। जी जी, लेकिन वो फुल एंड फाइनल नहीं था। हाँ जी जी, अगले साल जो हमारा नॉर्मल टैक्स बनता है 20-30% 25% वो 12 बनता है,
जबकि मिनिमम हमारा बन रहा था 10.1% 11 बन रहा था, इस हिसाब से इसका हायर पे होना था 12.4। तो हमें मतलब मेरा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो स्टूडेंट हायर होगा हमें वो पे करना, तो 12.41 हमें पे करना ही था, लेकिन हमने पिछला एडजस्ट कर रहा है हम अगले 30 साल में इसको देखेंगे। तो मैं देखा ना जब 9.3 मैंने एडजस्ट कर दिया तो मैं 11.29 भी पे करना उससे भी कम पे करना, अगर हम तीसरे साल में ले जाते हैं तो 13 हमारे पास एडजस्ट कर। ये सवाल था 5, 4, 5। अच्छा जी, सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 सफ़र लिमिटेड किया था और उसमें जो टैक्सेशन वाली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ था कि अगर टर्नओवर टैक्स 1% जो कि टर्नओवर सेल्स का था वो ज़्यादा हुआ जबकि प्रॉफिट का 25% जो टैक्स नॉर्मल बनता है वो कम हुआ तो हम टर्नओवर टैक्स देंगे और अगले इयर्स में फिर वो एडजस्ट होगा। तो सवाल ये है कि ईयर कौन से, ईयर टू में उसको एडजस्ट कर दिया और ईयर वन में लोकल वाली ऑप्शन में ना, ईयर वन के अंदर नॉर्मल टैक्स था कुछ भी नहीं, ये था जीरो था और टर्नओवर टैक्स था 9.31। फिर ईयर टू में वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कराने के बाद नॉर्मल टैक्स बना 12.4 और टर्नओवर 11.29। तो सवाल ये है कि हमने इस 12 में से ये सारा का सारा 9.31 एडजस्ट करके सिर्फ 3 point something क्यों दिया जबकि हमें तो ये देना चाहिए था। ये सवाल है, किसी को सवाल समझ आया हो और कुछ जवाब देना चाहे। ये जो टर्नओवर टैक्स है ना ये एक एडवांस टैक्स समझ लें क्योंकि कहना जब अगली दफा एडजस्ट हो जाएगा तो ये एक्चुअली हम इस नॉर्मल वाले की प्री पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि तभी तो उसको एडजस्ट करना है। अब जो उसने कहा है ना कि मिनिमम 1% पे करना है, ये उसने ये नहीं कहा कि हर साल में इतने पैसे जेब से निकलने चाहिए, ये नहीं लिखा है
कि हर साल जो पैसे जेब से निकले, हर साल में जो पैसे जेब से निकलने चाहिए वो टर्नओवर का इतने 1% निकलना चाहिए, ये बात नहीं है। एसएल वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 1% ऑफ टर्नओवर टैक्स, ये बात एप्लीकेबल ही कब है? इफ टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 1%, तो ये बात एप्लीकेबल है। देखें अंग्रेजी लिखी हुई है, इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 25%। अगला सेंटेंस है, इफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज लेस देन 1%, तो फिर आप जो 1% है वो दे दें, और अगर इफ नॉट लेस देन तो फिर ये बात एप्लीकेबल ही नहीं है। तो अब जब ये इससे ज्यादा है तो फिर ये बात एप्लीकेबल ही नहीं है कि आपने इतना टैक्स देना है। ये तो डिपेंड करता है ना कि आप टैक्स लायबिलिटी का वर्ड किसको ले रहे हैं, फाइनल नेट को लायबिलिटी ले रहे हैं या जो प्रॉफिट 25% लगा के बनता है उसको कह रहे हैं। ये तो एक इंटरप्रिटेशन है कि आप टैक्स लायबिलिटी का वर्ड किसको बोल रहे हैं। जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि टैक्स लायबिलिटी आप उसको कहेंगे जो एडवांस टैक्स एडजस्ट करने के बाद है, जरूरी नहीं है ये बात। लेकिन यहाँ मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। देखें आप लोगों ने, अगर आप टैक्स के चीते हैं या चीतियां हैं तो आपने अपना टैक्स का नॉलेज नहीं लगाना बीएफडी के पेपर के अंदर। अगर बीएफडी का सवाल, बीएफडी वाला जो सवाल है ना वो पाकिस्तानी टैक्स लॉ का सवाल नहीं है, जरूरी नहीं है। उसने आपसे सिर्फ ये चेक करना है कि जो मैंने टैक्स की ट्रीटमेंट बताई है उसको सवाल में हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब आपने यहां टैक्स नॉलेज नहीं लगाना कि फलाने सेक्शन के फलाने सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है, नहीं, टैक्स का तो पेपर ही नहीं दे रहे आप। तो इसलिए ये इसमें नहीं लिखा कि ये जो 1% है यही फुल एंड फाइनल मिनिमम टैक्स है, ये बात तो लिखी नहीं है। बल्कि मैं अगर वर्ड मिस नहीं कर रहा तो 1% ऑफ टर्नओवर को मिनिमम टैक्स तो नहीं बोला हुआ है, मिनिमम का तो वर्ड नहीं है। लेकिन ये बात इससे शुरू कहां से हो रही है? इफ से, कि अगर नॉर्मल इससे कम है तो ये करना है। इफ टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 1% देन ये काम करना है, और अगर इफ ये से कम नहीं है तो बस का कुछ भी नहीं करना फिर। हाँ, जब आपको ये, जब आपने ये तय कर लिया कि ये इससे ज्यादा है तो बस को छोड़ें, अब ये पे करना है हमने, और इसको पे करते हुए चूंकि ये इसकी प्री पेमेंट है तो माइनस करके बाकी पे करना है। तो इसमें ये जो इफ के साथ लिंक किया हुआ है ना, मैं तो आपको अंग्रेजी से जवाब बना के दे रहा हूं, इसमें हमने टैक्स का नॉलेज नहीं लगाया है। और ये भी बात इसमें हम वसूख से नहीं कह सकते कि जो टैक्स लायबिलिटी का वर्ड है या सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस का फ्लो देखेंगे ना तो अभी अभी उससे जस्ट पहले बात ही हुई थी कि इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल टू एसएल इज 25% फुल स्टॉप, इफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज लेस देन 1% ऑफ टर्नओवर। तो ये मेरे ख्याल में तो फ्लो यही लग रहा है कि जो प्रॉफिट का 25% बनता है वो अगर कम है तो, अगर वो कम है तो अगली बात एप्लीकेबल है, और अगर वो कम नहीं है तो अगली बात एप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए जितना टैक्स निकला वो 12.4 था और वो 1% से ज्यादा था तो बस वो एसएल वुड बी रिक्वायर्ड टू पे वाली बात ही खत्म हो गई। अब जब देना ही ये है तो यही देना है, और प्री पेमेंट एडजस्ट करके देना है, तो इसलिए 9 इसमें से लेस कर दिया। अच्छा, अब ये जो इस तरह की चीजें ना सवालों के अंदर, ये वैल्यूएशन में तो बहुत ज्यादा ये काम होगा वैल्यूएशन के अंदर, और इस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में भी अगर आपको किसी भी अंग्रेजी की वर्डिंग से कुछ भी एम्बिग्युटी लग रही है तो सेफ ये है कि आप जो अज्यूम कर रहे हैं उसका नोट दें, लेकिन ये नोट ना दें कि बस मैं ऐसे कर रहा हूं, उसको रीजन बताएं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। और जब आपका रीजन उसको ठीक लगेगा तो उसको एहसास होगा कि वाकई सवाल में ये चीज कमी रह गई थी, बिल्कुल अकोमोडेट करेगा, वो बिल्कुल सही मानेगा। तो इसलिए जो आप इंटरप्रेट करते हैं उसको नोट की शक्ल में लिखा करें और उसको साबित किया करें कि ये आपका, आपकी बात क्यों सही है। आपने बेचना है अपना जो भी नोट लिया होगा, तो सेल करना है। ठीक है, बस इस चीज को सेल कर दें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको सेल किया है कि जो अंग्रेजी लिखी हुई। देखें अगर आपकी ट्रीटमेंट सही है, सही से मुराद ये कि आप कन्विंस कर पाए कि आप ये काम कर रहे हैं, तो बाकी सवाल उसके मुताबिक मार्क होगा।
अच्छा एक सवाल किया था ईएसी का सीडीएन के नाम से, ये था क्वेश्चन नंबर 11 सीडीएन के नाम से, एलसीएम का था सॉरी, ईएसी नहीं एलसीएम का। तो इसमें एक क्वेरी है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ईयर टू वाली फिगर, अगर ईयर टू पॉलिसी ले यानी टू इयर्स पॉलिसी हो तो जब दूसरे साल बेच देना है तो दूसरे साल वाली मेंटेनेंस क्यों लें? अच्छा आपको ये जहन में बात आई भी इसलिए, ये ना एक तो है शैतान का वसवसा, ये उसने क्यों किया है आपके साथ, क्योंकि आप काम में लिमिटेड वाला सवाल करके आए हैं, उसका मसला हो रहा है असल में। कामिल लिमिटेड वाले सवाल में लिखा हुआ था कि इफ यूज करना है तो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये उस सवाल की वर्डिंग थी, ये बात मेंटेनेंस के साथ खास नहीं है कि मेंटेनेंस होगी ही तब जब अगले साल यूज करना होगा, नहीं ये उस सवाल में ऐसा था, वरना ये बस रेगुलर खर्चे मेंटेनेंस मशीन बाइक है, आपके पास बाइक है, बाइक की मेंटेनेंस क्या होती है, ट्यूनिंग और ऑयल चेंज ही है ना, तो अगर आप पूरा महीना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, छः महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो छः महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा ट्यूनिंग करवा ली, तो उस छः महीने के यूज़ के लिए ही उस छः महीने में ट्यूनिंग करवाई है, इसलिए नहीं करवाई क्योंकि अगले छः महीने यूज़ करना था। नहीं मैं एक रूटीन की बात बता रहा हूँ कि एक रूटीन का खर्चा रनिंग मेंटेनेंस पे मेंटेनेंस ये रूटीन का खर्चा है, ये तो हमारे कैश फ्लो की अजम्पशन है सवालों के अंदर कि कैश फ्लो ईयर एंड पे अकर हो रहे होते हैं, ये तो सवालों में आसानी के लिए डीसीएफ टेक्निक की अजम्पशन है, वरना ये ईयर टू के खर्चे हैं इसके। वो जो बात थी कि ईयर टू में मेंटेनेंस तब लें अगर तीसरे साल इस्तेमाल करना, ये खास तौर पर कामिल लिमिटेड में था और वो भी वर्डिंग में लिखा था तो ऐसा किया था, वरना वर्ड मेंटेनेंस का ये मतलब नहीं है, तो इसलिए ईयर टू में भी बेच देंगे तो क्या मेंटेनेंस तो करानी है ना, ये ईयर टू में इस्तेमाल करने के दौरान वाली मेंटेनेंस है जो साथ साथ शायद होती रही होगी और उनको कहा होगा पैसे तो हम साल के एंड में देंगे, तो ये वो वाले पैसे भी हो सकते हैं। मैं आपको फाइनेंसिंग डिसीजन करा रहा था, लीज और बाय का एक सवाल खुद से बना के करा दिया था, लीज और लीज करा देता हूँ, एक लीज वर्सेज लीज। अच्छा लीज वर्सेज लीज का सवाल करने का तरीका क्या होगा? लीज वर्सेज लीज डिसीजन ही क्या है ये? एक से ज्यादा लीज की ऑप्शन है तो हम उनमें से देख रहे हैं कौन सी सस्ती, तो अब उसको कंपेयर करने के लिए दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, दोनों ही ठीक है। आप नहीं नहीं करना तो सेपरेट ही है, एक नेट वर्किंग नहीं करनी, दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करना है, क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते कैश फ्लोज होंगे जब आप उनको आपस में ऑफसेट करेंगे ना, तो हो सकता है एक की इंस्टॉलमेंट मंथली हो एक की सिक्स मंथली हो, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हर ऑप्शन सॉल्व तो अलग अलग ही करें। सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों लीज ऑप्शंस के कैश फ्लोज लिखें, एनपीवी निकालें, और कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? जो सस्ती होगी, वो लिखे ही जब खर्चे हैं तो सारे खर्चों की एनपीवी आ रही होगी, तो जो सस्ता है। इसके एक और तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों ऑप्शंस का आईआरआर निकाल लें, ये भी हो सकता है प्रेजेंटेशन का एक तरीका, दोनों ऑप्शंस का आईआरआर निकाल लें। अच्छा आईआरआर क्यों निकाल लें? इन्वेस्टमेंट की तो बात नहीं हो रही है इस पे ना, मैं आपको आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चढ़ के कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां चल के इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कि आईआरआर किसी सवाल में हम उसको रिटर्न ले रहे होंगे, किसी सवाल में उसको कॉस्ट ले रहे होंगे, तो कब क्या मतलब लेना है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करूंगा डिस्कस। अभी फिलहाल बगैर वजह बताए लीजेस में हम ये भी कर सकते हैं कि लीज वर्सेस लीज एनपीवीज कंपेयर करके फैसला कर लें, और ये भी कर सकते हैं कि दोनों का आईआरआर कंपेयर कर लें। जिन्होंने रिपोर्टिंग पढ़ ली हुई है अभी सीफेप में उनको शायद टूटा फूटा याद हो, नहीं तो कैफ में पढ़ा होगा। इम्प्लिसिट रेट का एक कॉन्सेप्ट होता है लीज में, लीज का एक इम्प्लिसिट रेट होता है,
तो वो उसकी एक कॉस्ट होती है कि पर ईयर कितना कॉस्ट करेगा, ये मकसद हम इम्प्लिसिट रेट निकालने लगे एक्चुअली। तो इसलिए हम दोनों लीजेस का आईआरआर निकाल के कंपेयर कर लें कौन सी लीज बेहतर होगी, हम इम्प्लिसिट रेट निकाल रहे हैं एक्चुअली जिसमें वो रेट कम पड़ रहा होगा। तो एनपीवी की बेस पे भी डिसाइड हो सकता है और आईआरआर की बेस पे भी डिसाइड हो सकता है। ये मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में करूंगा बात कि कब हम लोग आईआरआर को एक रिटर्न ले रहे होंगे, कब हम आईआरआर को एक कॉस्ट ले रहे होंगे, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करूंगा बात इसके ऊपर। ये जो दो चार लाइनें बोली हैं इसको मैंने अंग्रेजी में समेटा तो है, पेज 38 पे पढ़ के देख लें, अगर काम की बातें लगें दो तीन तो काफ़ी है, खुद कुछ लिखना चाहें तो वो भी मर्जी है। पेज 38 पे जी हाँ वहाँ भी आईआरआर निकाल सकते हैं ऑप्शन कंपेयर करके। जी यहाँ पर मैंने इसलिए बात स्पेसिफिकली कर दी है क्योंकि हो सकता है सवाल में रिक्वायरमेंट हो कि आप आईआरआर की बेस पे फैसला करें, तो इसलिए मैंने इसको कह दिया एज अ टूल। पेज 38 पे तकरीबन शुरू में लीज वर्सेस लीज, यही जो मैंने अभी बात बोली है ये दो ढाई लाइनों में लिखी हुई है कि आप सब ऑप्शंस के कैश फ्लोज बनाएं, उनकी एनपीवी निकालें, एनपीवी के ऊपर फैसला कर लें, चाहें तो आईआरआर पे फैसला कर लें। लिखें सवाल लिखें। दो ऑप्शंस हैं लीज की, एक है लीज ए, तो पहले लीज ए की हेडिंग दें, लीज ए है जी एनुअल रेंटल 175,000, 1,75,000 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75,000, यानी हमने बियर करनी है ईयर वन में 12,000, ईयर टू में 15,000, ईयर थ्री में 18,000 और ईयर फोर में 20,000। चले लीज ए यही है, लीज बी लीज पेमेंट्स और ब्रैकेट में लिखें पेएबल एट एंड ऑफ ईयर
लीज ए की एडवांस थी, ये एट एंड ऑफ ईयर है, तो लीज पेमेंट्स आर एज फॉलोज, लीज पेमेंट्स आर एज फॉलोज, ईयर वन में $120,000, ईयर टू में $160,000, ईयर थ्री $240,000 और ईयर फोर $280,000. रिपेयर मेंटेनेंस विल बी बॉर्न बाय लेसर, रिपेयर मेंटेनेंस विल बी बॉर्न बाय लेसर. टैक्स रेट 25% है, टैक्स रेट 25%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, 12%. आपसे रिक्वायर्ड है कि दोनों में से कौन सी लीज बेहतर है. तो दोनों की एनपीवी भी निकाल दें और देखें कौन सी बेहतर है.
एयरपोर्ट का टैक्स सिर्फ इसके ऊपर होगा, इसका टैक्स किधर गया? ईयर फोर वाला टैक्स क्या ना, जाहिल है जो आईटी वाला पांच मिनट का सवाल है यार, नहीं पूरा सवाल पांच मिनट का। चलिए इधर देखें यार, मैंने सवाल कराने हैं और बहुत सारे। ऑप्शन वन 0, 1, 2, 3, 4, एक तो रेंट जाना है और वो जाना है शुरू में, क्योंकि हैं ही सारे खर्चे तो बेशक पॉजिटिव लिख लें, और रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ 12, 15, 18, 20। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बजाय इसके कि पहले इसका टोटल करें फिर वो पेमेंट और एक्सपेंस आगे पीछे करें, दो ही तो लाइनें हैं, तो इसकी टैक्स की वर्किंग वैसी कर लें। ईयर वन का टैक्स 2, 3, 4, एक होगा रेंट जो कि हर साल 175 होगा, और एक होगी रिपेयर मेंटेनेंस 12, 15, 18, 20। ये 187, ये 190, 193, 195, तो 25% टैक्स हो गया 47, 48,
48 48 49 47 48 48 और 49 ये ऑप्शन 1 के कैश फ्लो। क्या नहीं रेंटल पे नहीं होगा? क्यों अच्छा अरे अच्छा एक बात, बेशक मैंने कहा कि बीएफडी में टैक्स का नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा। ये जो लीज है ना, लेसी ओनर नहीं होता एसेट का, तो फिर उसको डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं मिलता है। ये तो आईएफआरएस 16 का अकाउंटिंग का मसला है कि उसका वो राइट ऑफ यूज एसेट बनाएगा, डेप्रिशिएट करेगा, फिर जब पेमेंट करेगा तो लीज लाइबिलिटी का प्रिंसिपल पोर्शन इंटरेस्ट, वो अकाउंटिंग का मसला है। टैक्स वालों की नजर में जब लेसी ओनर नहीं है तो फिर किस मुंह से डेप्शन मांगेगा वो? तो टैक्स वालों की नजर में एसेट लीज पे लेना रेंट है, तो वो रेंट को एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे, लीज पेमेंट्स डिडक्शन अलाउ होगी। हाँ, अभी मैं आगे और सवाल कराऊंगा, अभी इसके बाद ही कराऊंगा, फिर मैं लीजेस के अंदर भी चीजें ले आऊंगा। अच्छा, लीजेस वैसे काफी अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन पहले भी मैंने अर्ज किया था कि ये हो रहा है बीएफडी के अंदर कि पुराने सवालों में थोड़ी बहुत चेंज करके वो फिर पूछ लेते हैं, तो लीजेस एक दौर में पूछते रहे हैं, फिर ये उसके बाद ये रुक गया था। अब लीजेस को इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं आई कैप के क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन फिर से हो सकती है। नहीं, काफी अर्से से लीज नहीं पूछा हुआ, तो वो फिर से वापस हो सकती है बात। तो लीज के अंदर कुछ और चीजें भी हैं, वो अगले सवालों में बताता हूँ, लेकिन लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ होनी, लेसी को रेंटल पूरी डिडक्शन अलाउ होनी, तो जो रेंट है वही एक्सपेंस है। ये हो गया ऑप्शन वन। इसके कैश फ्लोज ये आप लोग 12% पे डिस्काउंट कर लेंगे तो एनपीवी आ जाएगी 497.5। ये हो गई ऑप्शन वन की एनपीवी। इस पे बताएं जो इतराज है किसी का। हाँ जी, ऑप्शन वन में कोई एतराज? ऑप्शन टू के कैश फ्लोज में रेंट होगा, वन का 120 160 240 280, और इसी का टैक्स होगा क्योंकि इसमें रिपेयर मेंटेनेंस है ही नहीं। 30 40 60 70, और इनकी जब एनपीवी निकालेंगे 437, तो इसमें ये बेहतर। ये हो गया लीज वर्सेस लीज का सादा सा सवाल। इसमें पूछे हैं जो एतराज है, चलें अब इसका पेपर का सवाल करते हैं। है ये पुराना काफी, लेकिन पुराने सवाल भी रिपीट हो जाते होते हैं जी। इसमें तो नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें तो वो एडवांस था। इसमें आप इस लाइन के लिखने की बजाय डायरेक्टली ही आप उसको एग्जामिनर को बताएं यहाँ ब्रैकेट में कि मैं ये नेट ऑफ 25% टैक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक लाइन बच जाएगी। तो इस तरह से एज लॉन्ग एज आपका सवाल की कैलकुलेशन पे कंट्रोल रहे ना, जितनी लाइनें बचा सकते हैं बचा लें। बस वो जो आप कर रहे हैं वो आपको खुद भी समझ आए और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए और सही भी हो, तो सारी प्रेजेंटेशंस ठीक होती हैं।
चलिए पास पेपर का सवाल देखते हैं और आप आ जाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 ये मैं करता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा एक तो इस सवाल से मैं आपको लीजिस की कुछ नई चीजें सिखाऊंगा और दूसरा मैंने बिल्कुल शुरू में जब एनपीवी बताई थी ना तो एक फॉर्मेट सामने बनाया था, खैर भूल भाल गए होंगे, तो एनपीवी का एक और फॉर्मेट भी आपके सामने ले आता हूं। वैसे तो यही है टाइमलाइन बना के, लेकिन बाज़ औक़ात आपको इसके बजाय इस तरह करना पड़ेगा जो इस सवाल में बना के दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं सॉल्व। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, समर 11 क्वेश्चन नंबर 3, HIN टेक्सटाइल्स पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी अच्छा एक बात मुझे लगता है मैंने पिछली क्लास में बता दी थी शायद के क्या बोला क्या जी सर हाँ जबरदस्त यार लीजिए। तो मैंने एक बात बताई थी पिछली क्लासेस में कि लेसी ने एसेट वापस करना हो सकता है, रखना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एग्रीमेंट में लिखा हो कि पैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर ओनरशिप हो ही जानी है ट्रांसफर। बीएफडी के क्वेश्चन के अंदर लीज में बाय डिफॉल्ट लेसी ने एसेट वापस करना होता है, अगर रखना होगा तो सवाल में उसकी गाइडेंस मिलेगी। अब कुछ में तो क्लियर लिखा हो सकता है और नहीं तो फिर कुछ इशारे हो सकते हैं, वो सवालों के साथ साथ बताऊंगा। HIN टेक्सटाइल मिल्स ने एक जनरेटर लेना है और उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो BAL लीजिंग कंपनी लिमिटेड से लीज पे ले ले और उसके बाद ओनरशिप इसको ट्रांसफर भी हो जानी है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो PUS रेंटल सर्विसेज से किराए पे ले ले। और इसमें ये कहा नहीं है लेकिन खामोशी का मतलब है इसको ये किराए पे लेके तो वापस कल को वापस करेगा। तो एक ऑप्शन में लीज पे लेना है और एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर भी हो जानी है, और दूसरी ऑप्शन में बस वैसी रेंटल सर्विसेज से लेके इस्तेमाल करना है। करना कितना अर्सा इस्तेमाल है? दोनों में 3 साल इस्तेमाल करने हैं, तो दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है? अच्छा इसी में आपको ना कैश फ्लोज में कहीं ये नहीं बताया होगा कि उस जनरेटर से
बेनिफिट क्या लेना है, तो बेनिफिट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जनरेटर यूज करना है। तो ये लीज वर्सेस लीज का वक्त फाइनेंसिंग डिसीजन है। तो दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, दोनों की एनपीवी निकालेंगे और दोनों में से जो बेहतर होगा, सस्ता होगा, वो ऑप्शन बेस्ट होगी। इस सवाल में आपको जो कैश फ्लो नजर आएंगे ना ऑप्शन वन के खास तौर पे, वो मुख्तलिफ नस्लों के हैं। उनमें कुछ आपको क्वार्टरली फिगर्स पता चल रही हैं, कुछ मंथली हैं, कुछ साल में एक दफा है, कोई 6 महीने के बाद है, कोई 2 साल के बाद है। तो इतने डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं इनके। इस सवाल से पहले जो भी 5-6-7 सवाल किए हैं उनमें नॉर्मली सारे कैश फ्लोज एनुअल ही थे। अगर कोई फिगर मंथली दी भी हुई थी तो क्या किया था उसको, उसको इंटू 12 कर लिया था। तो हाँ ऐसे ही करना है। लेकिन मैंने लीजिस के सवाल में आई कैप, ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन की बेस पे बात करूं, मेरी बात का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। आई कैप के सवालों में जितने भी मैंने लीजिस के क्वेश्चन देखे जहां पर उन्होंने वैरायटियां डाली हैं, कुछ 6 महीने वाला है, कोई महीने वाला कैश फ्लो, क्वार्टरली वाला है, उसमें इस चीज का लिहाज रखा है कि जो क्वार्टर वाला है उसकी क्वार्टरली डिस्काउंटिंग की है, जो 6 महीने वाला है उसकी 6 मंथली डिस्काउंटिंग की है। ये मैंने लीजिस के सवालों में देखा ही के सवालों में, बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल है टोटल 3 सवालों में ऐसा हुआ था, 2 में तो मुझे याद है, शायद 3 में हुआ था। लीजिस के सवालों की बात कर रहा हूँ, बाकी नॉर्मल लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में इतनी गहराई में नहीं जा रहे होते। आपको हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल के अंदर, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल के अंदर, जिस तरह अभी था जनरेटर वाला सवाल, जो UVW रेंटल वाला, उसमें लिखा हुआ था कि जनरेटर किराए पे दिया जाता है 2,500 घंटों के लिए, 2,000 पर आर के हिसाब से। हो सकता है लिखा होता कि इतने किराए पर डे पे दिया जाता है, तो हम ईयर 1, 2, 3 की फिगर कैसे बनाते, नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई कर लेते। तो नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म डिसीजन में ऐसे ही किया करेंगे कि कैश फ्लोज हमने चूंकि टाइमलाइन ईयर्स की बनानी होती है, अगर कोई एक आधी आइटम मंथली हुई भी तो उसको हम सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, कोई डेली आइटम हुई तो 360 से मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। लॉन्ग टर्म डिसीजन के सवालों में हम सवाल साल साल का ही कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लीजिस के 2-4 सवाल आए आई कैप में, अच्छा काफी अर्से से लीजिस नहीं टेस्ट कर रहा वो, लेकिन कर सकता है दोबारा, तो जो लीजिस के सवाल देखे मैंने उनमें इस चीज का ख्याल रखा हुआ था आई कैप के सोल्यूशन में कि मंथली डिस्काउंटिंग है तो मंथली डिस्काउंटिंग है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली है। तो इसलिए आई एडवाइज कि लीज वाले सवाल में फिर हम इस चीज को ख्याल कर लेते हैं। तो इसमें जिन कैश फ्लो को कहा हुआ है 6-6 महीने का, उसकी 6 महीने की डिस्काउंटिंग कर लेंगे, जिसको क्वार्टरली कहा हुआ उसकी क्वार्टरली डिस्काउंटिंग कर लेंगे। तो इस चीज का ख्याल रख लेते हैं इसमें। ये बात मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे की है, इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं मेरे पास, सवालों में ऐसा हुआ है सिर्फ इस बुनियाद पर कह रहा हूँ, लीजेस के सवालों में मैंने ऐसा देखा है। तो इसलिए लीजेस वाले सवालों में ऐसे ही कर लेते हैं कि जो जो जिस एतबार से कैश फ्लोज हैं उनकी उसके हिसाब से डिस्काउंटिंग कर लें। बस जबानी याद हो गया ना, है ना, जबानी याद हो गई बात। कोई बात नहीं, नहीं होगा वैसे इतना, नहीं नहीं क्वार्टरली नहीं लेके चलेंगे, इज्जत एहतराम के साथ हर एक कैश फ्लो को अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे, वो देखते हैं। लीजेस वाले सवाल की बारे में मैंने बात की है, वो लिख लें तो अच्छा है। चलें अब इस सवाल के अंदर ऑप्शन वन को कर रहा हूं मैं सॉल्व, और आपको मैं ना
एक एनपीवी निकालने का डिफरेंट फॉर्मेट भी बता रहा हूँ। आल्दो के मैंने एनपीवी की शुरुआत की ही इस फॉर्मेट से थी, लेकिन उसके बाद फिर वो 0, 1, 2, 3 टाइमलाइन वाला फॉर्मेट बताया था। ये फॉर्मेट कब लगाना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3 वाला कब लगाना पड़ेगा, ये मैं सॉल्व करता हूँ तो बताता हूँ कब लगाना पड़ेगा। ये मैं कर रहा हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन 1। जो कैश फ्लोज हैं उन कैश फ्लोज की हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, कोई क्वार्टरली है, कोई सिक्स मंथली है, कोई एनुअल है, कोई मंथली है, तो हम टाइमलाइन 0, 1, 2, 3 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि टाइम ही डिफरेंट है। अब 0, 1, 2, 3 में 1, 2, 3 किसको कह रहे होंगे, साल को कह रहे होंगे, क्वार्टर को कह रहे होंगे, महीनों को कह रहे होंगे, तो इसलिए इनको फिर हम टाइमलाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। इसको प्रेजेंट करने का एक रीजनेबल तरीका ये है, ये है जो भी सामने आने लगा है, आइटम्स लिख लेंगे एक एक करके, उनके कैश फ्लोज लिख लेंगे, उनका जो भी डिस्काउंटिंग करने का फैक्टर बना वो लिख लेंगे, और फिर पीवी लिख लेंगे। ये भी रुपीस मिलियन है सवाल में शायद, और ये भी रुपीस मिलियन है। और एक चीज मिस हो गई, टाइमिंग भी लिख लेंगे ताकि एग्जामिनर को भी पता चले हम क्या करने लगे। आइटम लिखूंगा, हर एक की टाइमिंग क्या है, कैश फ्लोज हैं क्या जिनकी डिस्काउंटिंग करनी है, सिंगल अमाउंट करनी है, एनविटी करनी है, और एंड आंसर, और इसका पॉजिटिव नेगेटिव का जब एंड टोटल करेंगे तो वो एनपीवी होगी। तो ये भी एक तरीका है सवाल को प्रेजेंट करने का। हाँ, और ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि टाइमलाइन ही डिफरेंट है सबकी, तो इसलिए हर अंग्रेजी के 9 आइटम लिखी, उसको अलग अलग डिस्काउंटिंग करके आंसर निकाला, और बाद में सारी पीवी का नेट टोटल कर लिया तो एनपीवी होगी। क्या क्या कैश फ्लोज हैं, सबसे पहले जल्दबाजी करके, उससे पहले भी कुछ नहीं, अच्छा चलो खैर ठीक है, तरतीब में तो रेंटल ही है, ठीक है कोई मसला नहीं, रेंटल ही है, उसके बाद फिर वो 10 मिलियन एडवांस है। तो रेंटल यानी लीज रेंटल जो 7.46 मिलियन है, 7.46 कब पे करना है, एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, कितने साल हैं, 3, तो बारह क्वार्टर्स है, एनविटी एनविटी हर क्वार्टर डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, तो डिस्काउंट रेट क्या है, हाँ जी डिस्काउंट रेट नहीं बताया हुआ यहाँ पर, उसने एक पहेली बना दी, उसने पहेली ये बना दी, अच्छा ये जो पहेली बनाई है ना, इस पहेली का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक मेथड टेस्ट हुआ है, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एक मेथड होता है कि जो BL का IRR होता है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ये उसने जस्ट एक पहेली बनाई है, यानी वो यहाँ पर ये लिख सकता था कि अगर मैं ये कहूं कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं जितने ऊपर कॉपियर के पास पेजेस पड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स का पेजेस से क्या ताल्लुक है, लेकिन ये सिर्फ एक पहेली बना दी बस, कि वहां गिन लो जाके पेजेस, जितने पेजेस हुए इसका मतलब उतने स्टूडेंट है, ऐसी बस एक पहेली बनाई। तो इस सवाल के अंदर जस्ट एक ऐसी पहेली बना दी कि जो BAL का IRR है आप वो कैलकुलेट करें, और जो आंसर आए बस उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लें। BAL का IRR क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, नहीं, बस ऐसी सवाल में एक पहेली बनानी थी कि आप BAL का IRR निकाल लें और जितना परसेंट, लेट्स से 30% निकल आया, वो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का कोई मेथड नहीं है, ये बस उन्होंने ऐसी एक पहेली लिंक कर दी। तो पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं, BAL का IRR क्या है ऑफर्ड, अभी कुछ देर पहले बात की थी मैंने इम्प्लिसिट रेट, लीज का इम्प्लिसिट रेट, वो लीज का IRR होता है, इम्प्लिसिट रेट
लीज के सारे कैश फ्लोज रखते हैं और उसके अगेंस्ट जीरो पे रखते हैं कि एसेट कितने का है, यानी कितनी वर्थ के एसेट के बदले ये सारी लीज पेमेंट्स हैं। लीज पेमेंट्स की पीवी एसेट की फेयर वैल्यू इसके बराबर लाना होता है, वो इम्प्लिसिट रेट होता है। लीज पेमेंट्स भी बल्कि नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज उसकी पीवी आज एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए वो डिस्काउंटेड इम्प्लिसिट रेट होता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट ऐसे होगा कि ऐसा डिस्काउंट रेट जिस पे लीज पेमेंट्स की पीवी किसके बराबर आ जाए, आज एसेट कितने का मार्केट में, वो लीज का आईआरआर कहलाता है। ये जो इम्प्लिसिट रेट होता है ना, ये उस लीज का आईआरआर होता है। तो बीएएल जो लीज ऑप्शन वन है उसका आईआरआर निकालते हैं। क्यों निकालने लगे वो आईआरआर? क्योंकि उसने कहा है जो आंसर निकला ना बस उतना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और हमें वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करना था यहां पर। तो इस सवाल को यहां छोड़ के बीएएल का आईआरआर निकालते हैं। और लीज का आईआरआर होता है कि आज एसेट कितने का है ये होता है लीज का आईआरआर। ये जो इम्प्लिसिट रेट होता है ना ये लीज का आईआरआर होता है। तो अब आपको इस सब में से क्या क्या पता है? देखें रेट निकालना, रेट मिसिंग है। क्या क्या पता है? अभी आज एसेट कितने का है? 80। और लीज पेमेंट्स में से क्या क्या पता है? क्वार्टरली तो है, और कुछ लीज पेमेंट्स और क्या क्या पे होना है? एडवांस, तो एक तो वो 10 एज इट इज आ गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस देना है। इसके अलावा 7.46 मिलियन की यानी इम्प्लिसिट रेट वो रेट होगा जिस पे इसकी पीवी 70 के बराबर आ गई। और कोई बीपीओ बार्गेन परचेज ऑप्शन कोई है सवाल में? बार्गेन परचेज ऑप्शन है सवाल में? नहीं, कोई नहीं है। ये जो 10 मिलियन दिया होगा एंड पे जेबी डलेगा और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो बस पेमेंट यही है बस। तो इस लीज का इम्प्लिसिट रेट वो रेट होगा जिस पे एनविटी डिस्काउंटिंग अगर करें, बल्कि ब्रैकेट बना ही लिया है तो 1-1+ पता नहीं पावर माइनस 12 ये आई फाइन करना है। कैसे फाइन करें? मैंने आपको आईआरआर निकालने के 3 सिनेरियो बताए थे, और अगर कैश फ्लोज बस एनविटी ही हो तो कोई से 2 रेट में एनपीवी निकालने नहीं। मैंने आपको कहा था कि इसका एनविटी फैक्टर निकाल लें और उस एनविटी फैक्टर को टेबल में ढूंढ लें। इस पर डिस्काउंट होने वाली चीज है ही सिर्फ एनविटी है ही सिर्फ ये रेंटल, तो हम इन कैश फ्लोज का आईआरआर निकालने लगे हैं ना। आईआरआर वो है जिनपे इनकी पीवी उसके बराबर आ जाए, तो आईआरआर निकालना है। IRR निकालना जब सिखाया था तो 3 सिनेरियो पड़े थे। एक वो था जिसमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लो से हमेशा परपेचुटी में कैश फ्लो आता रहेगा, एक उसका IRR निकाला था। एक एनविटी वाला था, एनविटी वाले का मैंने IRR निकालने का तरीका बताया था कि आप एनविटी फैक्टर निकाल लें। कैसे? सबको इधर ले जाएं,
ये 70 हो गया और ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, ये शक्ल बन जाएगी 80 माइनस 10 ओवर 9.38, ये एनविटी फैक्टर आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि n 12 है तो टेबल बुक के एंड पे, बुक ले ली है तो बुक के एंड पे, नहीं तो मैंने एक दफा टेबल शेयर किया था, तो आप 12 में देखें 9.38 तकरीबन 4% में आ रहा है, तो इसका मतलब है इस लीज का IRR है 4%। एन 12 है ना, 3 साल है और रेंटल क्वार्टरली जाना है तो 12 हो जाएगा एन। तो एनविटी टेबल को यूज करके IRR आ जाएगा 4%। अच्छा, 4% पर क्वार्टर। क्यों पर क्वार्टर? क्योंकि ये डिस्काउंटिंग पीरियड हमने क्वार्टर लिए हैं, तो ये पर क्वार्टर निकला है, यानी 16%। तो ये इस लीज का IRR है। ये पहली रखी थी सवाल में कि आप इस लीज का IRR निकाल लें, जो आंसर निकले बस उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेना, सॉल्व कर लें। तो फिर वो दो जो IRR निकालने का तरीका था, एक बार 10% रख लें, एक बार 12% रख लें, फिर वो फार्मूला लगा के निकाल लें। अच्छा, वैसे मेरा जाती ख्याल ये है कि अब ना AFC के स्टूडेंट्स ही को IRR कैलकुलेटर पे निकालना सिखा दिया होता है और ICAP उसके सवाल जस्ट MCQs टेस्ट कर रहा होता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर वो पूरा तरीका ना भी लगाए और जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर IRR निकाल ले तो मुझे नहीं लगता कि उसके नंबर कटने चाहिए, तो उसके ऊपर निकाल लें। जी, अगर BPO भी होता फिर ऐसे ना निकलता, फिर वही करना पड़ता, 5% रखते हैं, 10% रखते हैं, फिर वो करना पड़ता, क्योंकि ये तो सिर्फ तब है जब सिर्फ एनुइटी डिस्काउंटिंग हो रही है। अगर BPO होता तो उसकी सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग हो रही होती, फिर ऐसे नहीं निकल सकता था, फिर आप वही दो रेट वाला तरीका लगाते हैं। हाँ हाँ, इसी क्वेश्चन में दो रेट, मतलब एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करते 10% पे, फिर एन एक्चुअली नहीं फिर इक्वेशन से ना करते हम, एक्चुअली इसका किसकी NPV निकालते, NPV कैसे निकालते, ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर इतने का एसेट खरीदेगा। देखो हम ना लीज का इम्प्लिसिट रेट निकाल रहे हैं, इम्प्लिसिट रेट लेसर का कॉन्सेप्ट होता है कि लेसर को क्या रिटर्न मिल रहा है, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इतने का वो एसेट खरीदेगा, ये उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई और ये उसके इनफ्लोज हो गए, तो ये जीरो पे इन्वेस्टमेंट और ये उसके इनफ्लोज, तो वो सारा NPV के जो तरीका था IRR का कि एक बार लेट से 8% ले लें NPV निकालें, 12% ले लें NPV निकालें, फिर वो लोअर रेट और हायर रेट, फिर उस तरह से निकालना पड़ेगा। नहीं जरूरी नहीं 12 टाइम लिखते, अगर यही सवाल में BPO भी होता तो कैसे सॉल्व करते। इम्प्लिसिट रेट लीज में लेसर का रिटर्न होता है, इम्प्लिसिट रेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिन्होंने लीजेस पढ़ा हुआ है या चलो रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे, इम्प्लिसिट रेट लेसर का एक रिटर्न होता है कि लेसर को एसेट खरीद के लीज पे देना
ये उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, नेट इन्वेस्टमेंट लीज भी कहते हैं उसको, और कल को जो उसको टोटल कैश फ्लो मिलेगा ये उसकी इन्वेस्टमेंट है ना। लेसर पैसे आज लगा रहा है और कल को पैसे वापस आएंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो इसके ऊपर उसको क्या IRR मिल रहा है, ये होता है इम्प्लिसिट रेट। तो अगर इस सवाल में BPO बार्गेन परचेज ऑप्शन भी होती तो उसकी एनुइटी डिस्काउंटिंग होनी होती, वो सिंगल अमाउंट होती, फिर इस तरह से नहीं निकलना था ये सवाल। फिर आप क्या करते, फिर आप इसके IRR निकालने के लिए वो प्रोसीजर फॉलो करते। क्या प्रोसीजर? कोई से दो रेट ले लें, दोनों रेट पे NPV निकालें, फिर वो लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट और दोनों रेट्स का डिफरेंस, फिर वो करते हैं। अच्छा NPV कैसे निकालते, 7.46, जैसे एक 7% ले लिया, इसको 7% पे डिस्काउंट करते, BPO उसको भी 7% पे डिस्काउंट करते, ये आ जाते हैं उसके इनफ्लोस की PV, ये उसकी NPV आ जाती। फिर अभी मैंने 7 रखा है, 15 रख लेते तो दो रेट्स पे दो NPVs आ जाती। फिर उस तरह सवाल सॉल्व करके IRR निकाल। इस सवाल में चूंकि उसको पता था एग्जामिनर ने कि मैंने ये चीज रखी है इसलिए ये पहली डाली है, वरना तो फिर इस सवाल को 20-25 नंबर का बनाना पड़ता उसको, तो इसलिए इसमें BPO अगर होता तो फिर ये इस तरह से ना निकलता, फिर हमें इस तरह से वो जो IRR का लंबा तरीका है दो रेट्स पे दो NPV फिर वो काम करना पड़ता। और ये जो लीज का IRR होता है ये एक्चुअली लेसर का रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो ये लेसर की इन्वेस्टमेंट और ये लेसर के इनफ्लोस, तो उस पर आप NPV निकालते और दो NPV दो रेट्स उस तरीके से चलते। वो मैं ले ठीक है, फिर ऐसे करना पड़ता। चले निकल आया, अब ये 16% कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ऑप्शन 1 पे वापस। तो इस 7.46 इसकी करनी है एनुइटी डिस्काउंटिंग, वैसे तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं लेकिन मैं सिर्फ प्रोसीजर के लिए दोबारा कर देता हूं। 1 माइनस 1.4 क्या जी? 1.38 हाँ जी, 70 आएगा, यहीं से तो निकाला था ये 4%। और Thank you.
हाँ जी लीज रेंटल ओके चले अब आगे चलते हैं 7.46 और क्या कैश फ्लो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है अच्छा ये ना सिर्फ ये जो मैंने IRR निकाला है ये मैं समझाने के लिए कह रहा था कि जो इम्प्लिसिट रेट होता है वो असल में लेसर का कॉन्सेप्ट है वो मैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था हो गया निकल आया 16% आ गया अभी हम सवाल किसका सॉल्व कर रहे हैं अब ये लेसी का सवाल सॉल्व हो रहा है तो लेसी को इस ऑप्शन वन में जो जो कैश फ्लोस पढ़ने हैं मैं वो लिख रहा हूं तो एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जाना है जीरो पे कितना 10 और क्या कैश फ्लो होगा तरतीब से आगे चलते हैं सेवन पॉइंट फोर सिक्स हो गया 10 million हो गया आगे तरतीब से चल लेते हैं वैसे चीजें मिस नहीं होती उससे आगे 20 million है क्या क्या अब मैं कह रहा हूं सवाल तरतीब से चलाएंगे ना तो फिर चीजें स्किप नहीं होती 20 million का इनफ्लो होगा ये कौन सा इनफ्लो होगा क्योंकि मशीन जनरेटर ट्रांसफर हो जाएगा तो 3 साल बाद फिर उसको हम बेच देंगे तो ये एक इनफ्लो होगा अच्छा अगर ना भी बेचे ना फिर भी इस अप्रेजल के लिए उसको आउट करना पड़ेगा हाँ कि अब हमारे पास एंड पे 20 वर्थ का एक एसेट होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कह रहे मैं इसको अगर हमारे पास सिर्फ 3 साल के किराए देके पास कुछ नहीं आता तो वो किराया है यहां पर भी अगर हम सिर्फ किराया ही लिख लेंगे तो कंपैरिजन के अंदर हम वो 20 मिलियन का तो बेनिफिट इग्नोर कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए मैं मुझे मुझे अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्ड इतना मुनासिब नहीं है मैं ये बात पर दोबारा करता हूं इस ऑप्शन में 3 साल एसेट यूज करना और दूसरी ऑप्शन में एसेट 3 साल यूज करना अगर दोनों में किराया तकरीबन बराबर होता या बजाहिर इसका किराया ज्यादा होता तो हम अगर सिर्फ किराया कंपेयर कर रहे होते तो ये ज्यादा किराए की वजह से शायद फारिग हो जाता जबकि वहां पर 3 साल के बाद एसेट वापस चला जाना है यहां पर 20 मिलियन वर्थ का एक एसेट हमारा हो जाना है तो वो क्यों इग्नोर करें हम अपने कंपैरिजन के अंदर तो इसलिए हम उसको 3 साल के बाद एज एन इनफ्लो दिखाएंगे हो सकता है बेच दें हो सकता है ना बेचें फिर भी हमारे पास 20 मिलियन का एक फायदा होगा जो ईयर 3 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा वो नहीं दिखाएंगे तो कंपैरिजन फेयर नहीं होगा तो अगर लेसी के पास एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो फिर आरवी भी उसका इनफ्लो होगा जैसे पिछली क्लास में लीज वर्सेस बाय किया था बाय में मैंने आरवी रखी थी लीज में नहीं रखी थी बाय में आरवी दिखाई थी लीज में नहीं दिखाई थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लेसर को वापस चला जाना था तो अगर लेसी को एसेट रिटेन होना होगा तो फिर वो वही तो बेचेगा एंड पे एसेट तो वो एक इनफ्लो आएगा तो इसलिए इस रेजिडुअल वैल्यू को हम इनफ्लो दिखाएंगे और कब होगा ये इनफ्लो टाइम थ्री कह लें ईयर 3 के एंड पे कह लें कितना इनफ्लो होगा 20 तो इसको हम कर लेते हैं 16% पर डिस्काउंट सिंगल अमाउंट डिस्काउंट 12.81 ये इनफ्लो है Thank you.
सर इसको अगर हम यहाँ पे ना लेते और ऑप्शन टू में इसको एग्जांपल क्यों दिखाते, बेढंगे कैश फ्लोज हो जाते हैं। मतलब करने को तो ये भी कर सकते हैं कि ये रेंटल भी यहाँ ना दिखाएं वहां इनफ्लो दिखा लें, यानी कुछ चीजें उसकी यहाँ ना करें वहां कर लें, तो बस बेढंगा हो जाएगा। मतलब आपने जब हम मुख्तलिफ ऑप्शंस ले रहे थे ना, तो ज्यादा तमीज की बात ये है कि जिस ऑप्शन में जो हो रहा है वो दिखा दे, क्योंकि अगर जिस ऑप्शन में जो हो रहा है वो वहां दिखा दें, जिस ऑप्शन में नहीं हो रहा वहां ना दिखाएं, वरना ये अजीब अजीब सा हो जाएगा कि जिस ऑप्शन में जो हो रहा है वो वहां ना दिखाएं और जिस ऑप्शन में नहीं हो रहा वहां पर ना होना दिखा दे। टेक्निकली तो गलत नहीं होगा लेकिन अजीब सी लगेगी बात, तो जिस ऑप्शन में जो जो हो रहा है वो लिख लेते हैं। आगे रेजिडुअल वैल्यू से आगे अच्छा, अब ये जो टेबल बना हुआ है इसमें इनकी टाइमिंग बता दी, सैलरी मंथली है, लुब्रिकेंट फिल्टर क्वार्टरली है, पार्ट रिप्लेसमेंट हाफ ईयरली है, ओवरऑल दूसरे साल के एंड पे है, तो इनकी फिर अकॉर्डिंगली डिस्काउंटिंग करते जाते हैं। अगर एक नॉर्मल लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल होता तो हम इसको इतना लिफ्ट ना कराते, हमने ईयर्स बनाए होते और इस मंथली सैलरी को क्या करते इंटू 12 कर लेते, क्वार्टरली को इंटू 4 कर लेते। लेकिन ये मैंने लीजेज वाले सवाल में होता देखा है कि उनको अकॉर्डिंगली डिस्काउंट किया गया है, इसलिए लीज में ऐसे कर लेते हैं। जो सैलरी है जी, देखिए अगर इन्फ्लेशन हो तो फिर तो वैसे ही वो एनविटी डिस्काउंटिंग नहीं लग पाती ना, फिर तो वो हर कैश फ्लो बनाना पड़ता है, फिर इतना नहीं मेहनत मजदूरी का इतना ज्यादा सवाल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। सैलरी कब देनी है जी? हर महीने। अच्छा, अब हर महीने का मतलब है कि 36 महीने, और एक महीने की सैलरी कितनी? 0.5। तो इस पे बन गई एनुअली डिस्काउंटिंग 4% क्वार्टर का है, 3 में डिवाइड कर दें तो 1.33 आ जाएगा। 4% पर क्वार्टर है ना, तो हम मंथली डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो 4 को 3 पे डिवाइड कर दें, या 16% एनुअल है तो 16 को 12 पे डिवाइड कर दें तो 1.33 बन जाएगा। हाँ जी, 14.23। आगे लुब्रिकेंट्स हैं, क्वार्टरली हैं, ये पहली लाइन वाला सलूक कर लेते हैं। कितने हैं पर क्वार्टर? 1, यही वाला सलूक कर लेते हैं, 1-1.04 × 12.04 9.38। लुब्रिकेंट्स के बाद पार्ट रिप्लेसमेंट है, ये कब है? ये हाफ ईयरली है, तो 3 साल में हो गया 6 दफा, एक दफा का कितना है? 3 मिलियन। हाफ ईयरली है यानी 8%, 13.86। तो जब कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से हो रही है ना, तो फिर एनपीवी का ये भी एक फॉर्मेट बन गया,
कि हर कैश फ्लो की अलग अलग इंडिविजुअल पीवी निकालते जाएं और उनका नेट टोटल कर लेंगे तो एनपीवी होगी। नहीं पिक करे तो कोई मसला नहीं, हाफ ईयरली लिया मैंने, ये क्वार्टर, ये मंथली, लेकिन इस अंग्रेजी के नंबर नहीं है, ये तो अपनी पहचान के लिए लिख रहे हैं, असल में तो इसके नंबर है। और आगे लास्ट ओवरहॉल। अच्छा ओवरहॉल कब होना है? टू पे, एट एंड ऑफ ईयर, एट एंड ऑफ सेकंड ईयर। अच्छा इधर एक लास्ट लाइन है, वो यहां लिख रहा हूं, ओवरहॉल। ये टी टू पे कैश फ्लो इसका 15 और 1.16 की पावर 2 11.15, तो एनपीवी हो गई 115.85। ये है जी ऑप्शन 1। तो मंथ का क्या करें? मंथ को सर या तो पीरियड को मंथ रख लें, 36 लाइनें बनाएंगे, 36 कॉलम्स। अच्छा वैसे अगर पेपर में आपको ये समझ आ रहा है ना कि क्वार्टर कर लेते हैं, आप क्वार्टर पे बस जो इंस्टिंक्ट है ना पेपर में कर लिया करें फॉलो, मंथली को मंथली के नंबर कट जाएंगे, और बल्कि नंबर भी क्या कटेंगे अगर आपने उसको मंथली फिगर को 3 से मल्टीप्लाई करके क्वार्टर में लिख दिया होगा। सही है, वो भी सही है। तो पॉइंट ये है कि अगर यही सवाल दोबारा आ गया तो ऐसे करना है। ऑप्शन 1। अच्छा ऑप्शन 2 जबानी बता के बस डन। ऑप्शन 2 में कैश फ्लो है ही सिर्फ रेंट। अच्छा इसमें केयरलेसली एक अंग्रेजी ऐसी लिखी हुई है जिसपे बहस की जा सकती है। ऑप्शन 2 में सिर्फ रेंटल ही है या और भी कुछ होगा? हाँ ये एक अंग्रेजी का मसला है कि जब आप इसको पढ़ेंगे, the lease rental would include the cost of maintenance and overhauling, कि ये इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो ऊपर वाले टेबल को देख के लगेगा कि अच्छा भाई स्टाफ सैलरी नहीं होगी। ये जो टेबल दिया हुआ ऊपर, नहीं ऑप्शन 1 से तो रिलेटेड, एक्चुअली वो जनरेटर से रिलेटेड है ना। ऑप्शन 1 में तो ये है कि हमने BAL से रेंट पे लेने हैं और उसको 7.46 देना है। BAL को तो मंथली सैलरी नहीं देनी ना, है तो वो मशीन की सैलरी। ये जो ऊपर टेबल है ना, इस टेबल से ऊपर अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? नहीं जनरेटर तो लिखा हुआ है, सेकंड लाइन क्या है? ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये सारी जो लिस्ट है ये ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो ऑप्शन 2 में वो कह रहा है दी लीज रेंटल वुड इंक्लूड दी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा उनमें से कितनी ऑपरेटिंग और कौन सी मेंटेनेंस है? क्या पता वो ऑपरेट वाले स्टाफ की है कि सफाई करने वाले स्टाफ की है?
तो ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ये अगर है तो जो टेबल दिया हुआ है वो सारे खर्चे अब इस रेंट के अंदर शामिल है, तो ऑप्शन टू में सिर्फ रेंट ही है और वो रेंट आप एनुइटी डिस्काउंटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक साल का किराया सेम है, फिर वो किराया बढ़ता जाएगा। तो आप बेशक टाइमलाइन बना लें, पहले साल का रेंट कितना है? 11 पर क्वार्टर, 11 11 11 11। फिर दूसरे साल 12.1 हो जाएगा, 12.1 12.1 12.1 12.1। फिर उसके बाद तीसरे साल 13.3 समथिंग। तो आप इसको चाहे टाइमलाइन पे कर लें सिंगल अमाउंट, चाहे डिलेड एनुइटी लगा लें। डिलेड एनुइटी लगाएंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, नहीं तो फिर आप 12 कॉलम बना लें। तो ऑप्शन टू के ये 12 कैश फ्लोज हैं और इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे तो उसकी एनपीवी आ जाएगी। हो गया ऑप्शन टू, और दोनों में से जो सस्ती होगी वो का हो। चलो जी, लेक्चर 20 यहीं रोकते हैं।